हेलो दोस्तों, वेलकम बिगिन टू माय मैसिव इन्वेंशन यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं एक ट्राईपॉड। तो गाइस, आपको ट्राईपॉड बनाने के लिए सबसे पहले दो पाइप चाहिए ऐसे, एक तो 1 इंच वाला चाहिए जो 1 इंच जिसका डायामीटर हो, और एक 0.75 डायामीटर वाला चाहिए जो इसके अंदर आसानी से फिक्स आ जाए कुछ इस तरीके से। देखिए, तरीके के आपको दो पाइप चाहिए गाइस। जो 1 इंच डायमीटर वाला जो पाइप था, आपको उसमें 12 सेंटीमीटर पर मार्किंग करनी है यहाँ से कुछ, जैसे कि मैं कर रहा हूँ यहाँ पर। ये हमारा मार्किंग पॉइंट, यहाँ पे आपको अच्छे से लगाना है। 12 सेंटीमीटर पे लगाया मैंने, आप अपने अकॉर्डिंग भी लगा सकते हैं इसे। फिर आपको जो बॉटम वाला पार्ट है उसे 4 पार्ट्स में डिवाइड करना है यहाँ पे इस तरीके से। एक पार्ट यहाँ पर, एक पार्ट यहाँ पर, और तीसरा वाला पार्ट यहाँ पर, और फोर्थ वाला यहाँ पर। आपको ये 4th पार्ट में कट करना है यहाँ 12 सेंटीमीटर तक। तो मैं आपको कट करके दिखाता हूँ। आपको ये इक्वल पार्ट्स में कट करना है, मतलब ये वाले पॉइंट और ये वाले पॉइंट के बीच में डिस्टेंस सेम रहना चाहिए, और इसमें भी ऐसे 4 पॉइंट। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने ये 4 पीस में ऐसे कट कर दिया है, आपको भी ऐसे ही कट करना है। फिर आपको एक लाइटर लेना है और इसे एक साइड को गर्म करना है और इसको ऐसे बेंड कर देना है। मैं करके दिखाता हूँ आपको भी इस तरीके से कुछ। तरीके से आपको बेंड करना है 60 डिग्री एंगल पर। इस तरीके से ऐसे ही आपको ये सारे पार्ट्स को बेंड करना है। मैं आपको बेंड करके दिखाता हूँ। मैंने इसकी बेंड कर दिया है, इसकी जो हमने कट कर रहे थे पीसेस, आपको भी इसी तरीके से बेंड करना है 4 पीसेस को। और ये ऐसे बेंड करना है कि जैसे ये सीधा खड़ा हो जाए, इसमें भी थोड़ा भी बेंड नहीं आना चाहिए इस तरीके से। देखिए गाइस, यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने इस पाइप को इसके अकॉर्डिंग ही कट कर लिया है, जैसे कि आप देख सकते हैं। और फिर आपको इस पाइप को इसके अंदर डालना है कुछ इस तरीके से। तो गाइस, फिर आप इसी को एडजस्ट भी कर सकते हैं कुछ इस तरीके से, ऊपर और नीचे। यहाँ पर अब हम एक नॉब लगाएंगे जो इसको एडजस्ट कर सकते हैं हम फिर उससे ऊपर और नीचे। तो चलो अपन अब इसकी नॉब लगाते हैं यहाँ पे। गाइस, आपको नॉब बनाने के लिए यहाँ पर एक होल करना है जहाँ पे मैं मार्क लगा रहा हूँ। तो मैं आपको होल करके दिखाता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने एक होल कर दिया है, और ये वाले जो पाइप है उसमें भी होल कर दिए मैंने 3, मतलब ये 3 स्टेज ऊपर जा सकता है। फिर मैं इसको इस तरीके से फिक्स कर दूंगा ये वाली लाइन, और जो ये वाली लाइन है वो एकदम सेंटर में रहेगा इस तरीके से। और ये छोटा सा मैंने यहाँ पे स्क्रू ले लिया है नॉब की तरीके से, इसे यूज करूंगा मैं, और इसे जो मैंने होल करे थे दूसरे वाले पाइप में उसे लगा दूंगा कुछ इस तरीके से। देखिए फ्रेंड्स, ये अब अंदर नहीं जा रहा है। देखिए, ये फिक्स हो चुका है। यहाँ पे ये नॉब की तरह यूज करेंगे स्क्रू को। मैं अब ऊपर वाले स्क्रू, आपको अब ऊपर वाले में भी ये स्क्रू लगा के दिखाता हूँ। देखिए, मैंने एक स्टेज अंदर कर दिया इसे, मैं फिर से स्क्रू लगा दूंगा यहाँ पे। देखिए इस तरीके से, देखिए ये भी फिक्स हो चुका है। गाइस, फिर लास्ट में आपको एक सेल्फी स्टिक लेनी है, ये मार्केट में आसानी से बहुत ही चीप रेट में मिल जाएगी आपको। और ये जो ऊपर वाला पार्ट है ये अपने ट्राईपॉड का, आपको उसके अंदर इसे ऐसे डाल देना है, और यहाँ पे आपको इसे फिक्स कर देना है। वैसे ही ऑलमोस्ट फिक्स ही आएगी, बहुत मुश्किल से निकल रही है, देखिए। तो चलो गाइज, अब हम इसे कलर कर देंगे अपने ट्राईपॉड को। तो मैं आपको कलर करने के बाद दिखाता हूँ ट्राईपॉड। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे इसे कलर कर दिया है कुछ इस तरीके से। आप इसे एडजस्ट भी कर सकते हैं, देखिए कर रहा हूँ। जैसे ये नॉब को आपको सबसे पहले निकालना है, फिर इसे अंदर डालना है।
ये सबसे छोटा साइज हो जाएगा इस तरीके से, देखिए। फिर ये सेकेंड स्टेज हो जाएगी, ये थर्ड स्टेज और ये फोर्थ स्टेज एंड की। और फिर ऊपर जो सेल्फी स्टिक है उसे एडजस्ट कर सकते हैं आप, देखिए कुछ इस तरीके से। ये भी काफ़ी बड़ा ट्राइपॉड हो जाएगा, तो मैं इस ट्राइपॉड को पूरा एक्सटेंड करके दिखाता हूँ आपको। ऐसे मैंने पूरे ट्राइपॉड को एक्सटेंड कर दिया है, ये अपनी हाइट है ट्राइपॉड की, ये अप्रॉक्स 3 फीट होगी इसकी हाइट जो है ट्राइपॉड की, जैसा कि आप देख सकते हैं। और ये एकदम स्टेबल है। गाइस मैं अब आप इस ट्राइपॉड को पूरा फोल्ड करके दिखाता हूँ। मैं ये ट्राइपॉड को पूरा फोल्ड कर दिया है, ये कुछ इतना बड़ा हो जाएगा। फिर फोल्ड करने के बाद देखिए कितना सा है, देखिए फ्रेंड्स। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो।